हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। काफ़ी स्टूडेंट्स को कंडीशनल सेंटेंसेस में काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि ये तो बहुत टफ है, हम नहीं सीख पाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अच्छे से ध्यान से सीखते हैं या समझते हैं तो कंडीशनल सेंटेंसेस से इजी कोई सेंटेंसेज हो ही नहीं सकते। अगर आपने कंडीशनल सेंटेंसेज को अच्छे से सीख लिया, अप्लाई करना आ जाता है, तो आप स्पीकिंग भी अच्छे से कर पाएंगे और राइटिंग भी अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेज के बिना ना तो हम स्पीकिंग कर सकते हैं ना ही हम राइटिंग कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सभी कंडीशनल सेंटेंसेज जो ग्रामर में यूज होते हैं सभी को बारी बारी से पढ़ेंगे, उनके एग्जाम्पल सीखेंगे, बाद में हम उनके स्ट्रक्चर बनाना, उनको अपनी डेली लाइफ में यूज करना भी सीखेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर करते हुए। जैसे कि कंडीशनल से ही हमें पता चल रहा है कंडीशन। कंडीशन दो प्रकार की हो सकती है, एक तो शर्त हो सकती है, एक हो सकती है हमारी स्थिति या कंडीशनल से ही पता चल रहा है कंडीशन। किसी चीज़ की शर्त के बारे में बात की जाएगी सेंटेंस में, या किसी चीज़ के स्टेट के बारे में बात की जाएगी, स्थिति के बारे में बात की जाएगी, तो वो क्या होंगे, हमारे कंडीशनल सेंटेंसेज होंगे। अब बात आते हैं कंडीशनल सेंटेंसेज कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंसेज जो कंडीशनल होते हैं वो फोर टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। जो चारों कंडीशनल होते हैं उनके अलग अलग यूजेज हैं। हिंदी में वाक्य में उनका सेंस कुछ निकलता है और इंग्लिश में कैसे बनाए जाते हैं विद स्ट्रक्चर, हम बारी बारी से चारों को पढ़ेंगे। इनसे बाहर कोई भी कंडीशनल सेंटेंस नहीं होगा जो हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। पहला होता है हमारा जीरो कंडीशनल। इसको हम जीरो कंडीशनल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई शर्त नहीं होती, कोई कंडीशन नहीं होती। केवल ये यूज़ कैसे होता है, जनरल ट्रूथ, जब जनरल सच्चाई की बात की जाएगी तो हम जीरो कंडीशनल का यूज़ करते हैं, या साइंटिफिक जो ट्रूथ होगा उसको यूज़ करने के लिए, उसको बताने के लिए हम जीरो कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो देखते हैं, इफ़ या व्हेन आएगा। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं वो टू क्लोज लेते हैं। टू क्लोज का मतलब होता है फर्स्ट क्लोज में हम इफ़ या व्हेन का यूज़ करेंगे और सेकंड क्लोज जो होगा उसमें हमारा मेन क्लोज होगा, वो हम फर्स्ट कंडीशनल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जीरो कंडीशनल में कोई भी शर्त नहीं होती, तो केवल मैं आपको स्ट्रक्चर दूंगी और एग्जाम्पल कराती हूँ। तो इफ़ या व्हेन आ जाएगा, जो पहला क्लोज होगा वो भी हमारा सिंपल प्रेजेंट बनेगा और सेकंड जो क्लोज होगा वो भी हमारा सिंपल प्रेजेंट से ही बनेगा। यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस हैव टू क्लोज, यानी कि पहला सेंटेंस यहाँ तक, दूसरा यहाँ तक। जो पहला क्लोज होगा उसमें भी हमारा सिंपल जो प्रेजेंट है वो यूज होगा और सेकंड क्लोज होगा उसमें भी हमारा सिंपल प्रेजेंट का ही यूज होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, अगर आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है। फॉर एग्जाम्पल यदि लगा सकते हो या अगर लगा सकते हो, यदि आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखना, अगर आप देखोगे तो किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं, लास्ट में आएगा तातेती और यहाँ भी तातेती। अगर आपने हिंदी में सेंटेंस को पहचानना है तो तातेती आ जाएगा, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। कंडीशनल सेंटेंसेज में हिंदी में मीनिंग कुछ निकलेगा और इंग्लिश में कुछ बनेगा। आपको देखना क्या है, अगर जीरो लेवल का कंडीशनल आप कर रहे हैं तो उसमें आपने देखना है कि जो जनरल ट्रूथ है या साइंटिफिक ट्रूथ है उसको बनाने के लिए हम जीरो कंडीशनल का यूज करेंगे। तो जो जैसे मैंने पेन ऊपर फेंका, तो ऐसा तो नहीं है ऊपर के ऊपर रह जाएगा, ये नीचे आएगा, ये साइंटिफिक ट्रूथ है। ठीक है, न्यूटन का है ना कि एप्पल को ऊपर फेंकोगे तो नीचे ही आएगा। उस तरह से कोई भी चीज़ अगर आप ऊपर फेंकते तो नीचे आती है। उस कंडीशन में हम कैसे बनाएंगे, इफ़ यू, जो हमारा ये सेंटेंस है वो भी सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। इफ़ यू थ्रो एनी वन एनी थिंग, आप जो तो है उसके लिए हम कोमा का यूज करेंगे, इट कम्स डाउन। ठीक है,
जो पहला क्लोज है हमारा यहाँ से यहाँ तक, वो भी हमारा सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, और जो मेन क्लोज है वो भी हमारा सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा। यानी किसी भी चीज़ को आप ऊपर फेंकते हो तो नीचे आती है, ये हमारे क्या जनरल ट्रूथ है, साइंटिफिक ट्रूथ है। जैसे आप किसी आग पे हाथ रखोगे तो हाथ जलेगा, जलेगा अगर आप हाथ रखते हो। यदि हम किसी बर्फ़ को पिघलाते हैं तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो ये जनरल ट्रूथ है। जैसे मैंने कहा, अगर तुम पौधों को पानी नहीं देते हो तो पौधे सूख जाते हैं। यदि तुम पौधों को पानी नहीं देते हो तो पौधे सूख जाते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, इफ यू, प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट में नेगेटिव सेंटेंस है हमारा, तो नेगेटिव में आएगा डू नॉट या डोंट वाटर प्लांट्स। तो के लिए हम कोमा का यूज करेंगे, इट कम्स ड्राई अप, यानी कि वो सूख जाते हैं। इस तरीके से हमने जो भी सच्चाई बतानी है, या कह सकते कड़वा सच जो बोलना है, वो हमारा जीरो कंडीशनल से बनेगा। ये सीखा हमने जीरो कंडीशनल, यानी कि इसको हमने कवर कर लिया। अब देखते हैं फर्स्ट कंडीशनल, जो हमारा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होगा उसको हम कैसे बनाएंगे, उसकी हिंदी क्या निकलेगी, सेंटेंस कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर क्या होगा। बस आपको साथ में मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से सीखना है, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस आपको एक बार में समझ नहीं आएगा तो एक दो बार वीडियो को जरूर देखना है। अब बात आती है हमारी फर्स्ट कंडीशनल की, यानी कि इसमें दो क्लोज होते हैं, ये मेन क्लोज, इफ क्लोज और मेन क्लोज, ये दो क्लोज सेंटेंस में मिलेंगे आपको। जो इफ वाला क्लोज है उसमें हमारा लगेगा सिंपल प्रेजेंट, और जो मेन क्लोज है उसमें लगेगा हमारा विल और वी वन, यानी फ्यूचर। इसमें आ जाएगा फ्यूचर सिंपल। जब हम फर्स्ट कंडीशनल की बात करेंगे तो उसमें दो क्लोज होंगे हमारे, इफ क्लोज मतलब सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, और जो मेन क्लोज होगा उसमें विल लगेगा या फ्यूचर सिंपल लगाएंगे हम। इसकी हिंदी निकलेगी, अगर कोई काम करते हो, अगर कोई काम करोगे या कर सकते हो, कोई भी काम करोगे तो उसका रिजल्ट जो होगा वो हमारा जो मेन क्लोज है वो देगा। यानी कि हमें रिजल्ट पता होगा, जब भी हम कोई काम करेंगे तो उसके रिजल्ट का हमें पता होगा। रिजल्ट का कैसे पता होगा, जैसे तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, जो बोलने में तो ऐसा लगेगा, जैसे अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यानी कि पास पर जो पास होने की कंडीशन क्या होगी, हमारी शर्त क्या होगी, तब पास होगे जब आप पढ़ोगे। तो जो पढ़ना है वो क्या है, एक शर्त है, कंडीशन है, उसका रिजल्ट क्या होगा, पास होना। ठीक है, अब आप देखोगे कि जो देखने में है ये हमारा फ्यूचर लग रहा है। अगर जिस बच्चे को नॉलेज नहीं है कंडीशनल सेंटेंसेस की, वो विल से बनाएगा, और विल से जब वो बनाएगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है, मेन क्लोज में दे देते हैं विल, और सेकंड में भी विल दे देते हैं, और बच्चे क्या सोचेंगे, गागेगी आ रहा है, तो वो टिक करके आ जाते हैं, लेकिन वो रॉन्ग हो जाता है। जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि जो हिंदी में साउंड गागेगी का निकलेगा फ्यूचर जैसा, लेकिन वो बनेगा किस में, सिंपल प्रेजेंट में। जो फर्स्ट क्लोज है वो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, कैसे, इफ यू स्टडी, तो के लिए कोमा लगाएंगे, यू विल पास। और ये भी जरूरी है, ये संभावना है, यानी कि प्रेजेंट में कोई काम करोगे तो उसकी संभावना है, पॉसिबिलिटी है
किसमें, फ्यूचर में पूरा होने की। जरूरी नहीं है कि पूरा ही हो, पूरा नहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई काम कंप्लीट ही होगा, नहीं भी हो सकता है। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। तो कंडीशन कोई भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, आपने केवल सेंस को पकड़ना है कि सेंटेंस क्या कह रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्लोज में हम ऐसे यूज करेंगे, अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। तो कैसे बनाएंगे, इफ यू कॉल मी आई विल टेल यू एवरीथिंग, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। अगर तुम पढ़ोगे तो स्कूल क्लास में फर्स्ट आ जाओगे। If you study, you will stand first in the class, यानी क्लास में फर्स्ट आ जाओगे। ऐसे हम ढेरों सेंटेंसेज बोलते हैं जो इससे बनेंगे। कुछ एग्जाम्पल और सीख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ये आ जाए। पहला एग्जाम्पल हमारा, अगर वो तुम्हें हाथ भी लगाएगा तो मैं उसकी जान ले लूँगा। कई बार ऐसे सेंटेंसेज बोलते हैं, अगर वो ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट जो है शर्त पर डिपेंड करता है। अगर if he If he touches you, I will, जो सेकेंड क्लोज होगा वो हमारा will से बनेगा। I will kill him, मैं उसे मार दूंगा या मैं जान ले लूँगा। नेक्स्ट है, अगर तुम फर्स्ट आओगे तो मैं तुम्हें बाइक दिलाऊँगा। If you stand first, या in the class भी लगा सकते हो, first I get You a bike, ठीक है, मैं तुम्हें बाइक दिलाऊंगा। अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुमसे मिलूंगी। If you come here, I will meet you, अगर मैं आगरा जाऊँगा तो ताजमहल देखूँगा। ठीक है, संभावना है कि अगर मैं जाऊँगा तो देखूँगा। तो इस तरीके से हम काफ़ी सेंटेंसेस इफ से बनाते हैं, और कंडीशनल सेंटेंसेस तो काफ़ी यूज होते हैं। अब देखते हैं सेकंड कंडीशनल क्या होता है। सेकंड कंडीशनल में होता है ख्याली पुलाव बनाना। ख्याली पुलाव का मतलब होता है कुछ होना जाना कुछ नहीं है, केवल कल्पना करना, ऐसा होता तो ऐसा होता, जो होना था वो हो चुका है, लेकिन अब प्रेजेंट में बैठ के बात करें, अगर ऐसा होता, अगर तुम तैयार होती तो मैं तुम्हारे साथ डांस करता। पार्टी हो चुकी है, तैयार हो चुके हैं, डांस हो चुका है, लेकिन प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, अगर तुम यहाँ आते तो मैं तेरे साथ चलता। ये क्या है, ख्याली पुलाव बनाना, यानी कि कल्पना में जीना, कल्पना करना। तो सेंटेंस जो सेकेंड कंडीशनल होता है उसमें केवल कल्पना की बात की जाएगी। ये थ्री टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के यू होते नहीं हैं, थ्री सिचुएशंस होती हैं जिसमें ये यूज होते हैं। एक्शन वर्ब, वर्ब ऑफ टू बी या वर्ब टू हैव। सबको पता है वर्ब टू बी क्या होता है, इज एम आर वॉज वर हैज है होता है, लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेज में वर्ब का यूज होता है। ठीक है, वॉज और वर्ब का यूज होता है। वर्ब टू हैव का मतलब होता है पजेशन। जब हम पजेशन की बात करेंगे तो हम हैड का यूज करेंगे। तीनों ही सेंटेंसेस की सिचुएशन में जो मेन क्लोज होगा उसमें वुड का यूज होगा, वो हमेशा वुड से ही बनेगा और वी वन से बनेगा। और जो हिंदी में हमारे जो सेंस निकलेगी, होता तो ऐसा होता, अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें पढ़ाता, आए नहीं हो, पढ़ाया नहीं है, केवल कल्पना कर रहे हो, प्रेजेंट में बात कर रहे हो, अगर तुम आते तो ऐसा होता। जब सेंटेंस को हम हिंदी में सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो प्रेजेंट का है, लेकिन प्रेजेंट का नहीं होता। आपको ध्यान ये रखना है, अगर तातेती आ रहा है तो कंडीशनल सेंटेंस की बात आ रही है। तो अगर एक्शन है हमारा तो सिंपल पास्ट में होगा हमारा इफ वाला क्लोज। अगर मेन क्लोज की बात करते हैं तो उसमें हम वुड और वी वन का यूज करेंगे। ये तो एक्शन की बात हो गई। जब हम सेंटेंस में वर आता है या वॉज आता है तो हम वुड का यूज करेंगे। मेन क्लोज में वुड का यूज होगा और जो इफ क्लोज होगा उसमें वर्ब का यूज होगा। ऐसे ही अगर हम पजेशन की बात करते हैं, मेरे पास एक बाइक होती तो मैं घूमने जाता। बाइक नहीं है, ना घूमने जा रहे हो, यानी अनरियल सिचुएशन है हमारी। अनरियल सिचुएशन के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो इसमें हमारा जो इफ क्लोज होगा उसमें हम हैड का यूज करेंगे, और जो मेन क्लोज होगा उसमें हम वुड और वी वन का यूज करेंगे। एक चीज सिमिलर है, तीनों ही सिचुएशन में हम वुड का यूज करेंगे मेन क्लोज में। कुछ एग्जाम्पल से सीख लेते हैं कि कैसे इनको सेंटेंस में यूज करते हैं। पहले देखते हैं इनका स्ट्रक्चर क्या होगा। पहले हम एक्शन की बात कर लेते हैं, तो जो हमारा इफ वाला क्लोज होगा उसमें हम
सिंपल पास्ट का यूज करेंगे, और जो मेन क्लोज होगा उसमें हम वुड और वी वन का यूज करेंगे। ऐसे ही जब हमारे पास पहले जो क्लोज होगा हमारा इफ वाला, उसमें वर का यूज करेंगे, और जो मेन क्लोज होगा उसमें हम वुड का यूज करेंगे। लेकिन कंडीशन ये होगी जब वर की बात करेंगे तो हमारा नाउन होगा साथ में, यानी कि एक्शन नहीं होगा, यहाँ पर नाउन की बात होगी। ठीक है, जो हमारे हैव यानी पजेशन की बात होगी तो यहाँ हैड आएगा और नाउन होगा, साथ में जो मेन क्लोज होगा उसमें हम वुड वन और वी वन का यूज करेंगे। अब तीनों की हम एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से सीखते हैं कैसे सेंटेंसेस में इनका यूज होता है। पहला एग्जांपल है हमारा, अगर तुम जाते तो मैं भी आ जाता, यानी कि पार्टी हो चुकी है, दोस्त मिले और आपस में बातें कर रहे हैं, केवल कल्पनाएं करें, अगर तुम आ जाते तो मैं भी आ जाता। तो इस सिचुएशन में जो हमारा इफ वाला क्लोज है वो हमारा सिंपल पास्ट में बनेगा, और जो मेन क्लोज है वो हमारा वुड के साथ बनेगा। इफ यू वेंट आई वुड कम, मैं भी आ जाता। अगर मैं लॉटरी जीतती तो कार खरीदती, यानी कि जो लॉटरी निकली नहीं है, जीती नहीं हूँ, केवल ख्याली पुलाव बना रही कि अगर जीतती तो खरीदती। तो कैसे बनाएंगे, इफ आई वॉन लॉटरी, कोमा लगा देंगे तो के लिए, आई वुड, वुड से बनेगा हमारा ये, बाय अ कार। ठीक है, जो पहला क्लोज होगा वो हमारा पास्ट सिंपल और ये हमारा वुड के साथ। नेक्स्ट है, अगर तुम मुझे बताते, इफ यू टोल्ड मी आई तुम्हारी मदद करता, आई वुड हेल्प यू, यानी कि जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट पहले ही हो ली है, लेकिन हम बैठ के बातें करें, अगर यार तुम मुझे बता दे तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देता या तुम्हारी मदद कर देता। ऐसी सिचुएशन में हम कंडीशनल सेकंड का यूज करते हैं और जिसमें एक्शन वर्ब होती है। अब हम पढ़ेंगे टू वर्ब कैसे यूज करते हैं हम सेकंड कंडीशनल में। जब वर्ब टू भी होगा तो हमारा जो इफ क्लोज होगा उसमें वर्ब का यूज होगा, और जो मेन क्लोज होगा उसमें वुड और वी वन का यूज होगा। एग्जाम्पल से सीखते हैं, अगर मैं राजा होता तो राज्य करता, यानी कि इसमें तो अनरियल सिचुएशन ही है, बिल्कुल डेफिनेटली, यानी कुछ होना जाना है नहीं, केवल ये होता तो ये हो जाता। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं गरीबों को दान करता, अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये करता, यानी कि अपनी डींगे मारना, हम हिंदी में बोल सकते हैं डींगे मारना, यानी अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर बात करना, कुछ है नहीं उनके पास फिर भी ये हो जाता। उस सिचुएशन में हम वर्ब का यूज करेंगे हमारे इफ क्लोज में, और मेन क्लोज में हम वुड का यूज करेंगे। अगर मैं राजा होता, इफ आई वर किंग आई वुड रूल, यानी कि राज्य करता। नेक्स्ट है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जॉब छोड़ देता, यानी कि बॉस से लड़ाई हो गई तो दूसरा वाला फ्रेंड कह रहा है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसी वक्त जॉब को छोड़ देता। इफ आई वर, तो क्या आएगा, इफ आई वर यू, यानी मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड क्विट द जॉब को छोड़ देता। अगर तुम मेरे दोस्त ना होते, इफ यू वर नॉट माई फ्रेंड मैं तुम्हें पीटता, आई वुड बीट यू। ठीक है, इस तरह से हमने टू बी को सीखा। अब सीखते हैं पजेशन का, जब बात आती है पजेशन की, जब बात आती है तो हम कैसे यूज करेंगे। जो सेकंड कंडीशनल की जो हमारी थर्ड सिचुएशन होती है पजेशन की, मेरे पास ये होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा हो गया होता, तो उस सिचुएशन में कैसे से एग्जांपल होंगे हमारे, इफ़ ही हैड अ माइंड, यदि उसके पास दिमाग होता, ही वुड नॉट डू सो, तो वह ऐसा नहीं करता। यानी कि जो हैड का यूज होगा हमारा इफ वाले क्लोज में, और वुड का यूज होगा हमारे सेकंड मेन क्लोज में। नेक्स्ट है, इफ आई हैड अ बाइक, यदि मेरे पास एक
बाइक होती, हेड क्या बता रहा है, हमें पजेशन बता रहा है किसकी, बाइक की, बाइक की होने की पजेशन को बताया जा रहा है। मेरे पास एक बाइक होती, आई वुड बी इन आगरा बाय नाउ, अब तक मैं आगरा में होता। देखते हैं थर्ड जो कंडीशनल होता है उसमें हमारे कैसे सेंटेंसेज बनते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है। जब इफ वाला क्लोज होगा उसमें हम हैड का यूज करेंगे और वी थ्री का यूज करेंगे, ठीक है। और जो हमारा मेन क्लोज होगा उसमें हम वुड का यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे और वी थ्री का यूज करेंगे। और जो सेंटेंस की सेंस होगी वो होगी अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो चुका होता। इसमें किसी भी कंडीशन को हम चेंज नहीं कर सकते, जो होना था वो हो चुका है, उसको हम बदल नहीं सकते। ऐसी सिचुएशन के लिए हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे If he had told me earlier, अगर तुम मुझे पहले बताते या तुमने पहले बताया होता, I would not have taken this risk, तो तुम्हें ये रिस्क नहीं लेना पड़ता या ये रिस्क नहीं ले चुके होते। पहले बताया होता तो ये नहीं होता, जो होना तो वो हो चुका, हम उसको हम बदल नहीं सकते। उस सिचुएशन में ऐसे सेंटेंसेस का यूज होता है। नेक्स्ट है, If you had Listen to me that day, यदि तुम मेरी बात उस दिन सुनते, it would not have happened, तो ऐसा नहीं हुआ होता या ऐसा नहीं हो चुका होता। यानी उस दिन की बात कर रहे हैं, सुननी होती तो ये नहीं होता। उस सिचुएशन को हम बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो हमारा क्या होगा, जो फर्स्ट क्लोज होगा उसमें हैड का यूज होगा और थर्ड फॉर्म का यूज होगा, मेन क्लोज होगा उसमें हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो इस वीडियो में आज हमने सभी कंडीशनल सेंटेंसेस को कंप्लीट किया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट की है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।